तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पोलरोग्राफी के जो सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है, जो कि है इंडिकेटर सॉरी इलेक्ट्रोड है, जिसका नाम है ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड। जो एज ए इंडिकेटर इलेक्ट्रोड यूज होता है, तो बेसिकली ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड के अंदर, जो अगर आप पोलरोग्राफी के अंदर देखें तो चाहे वो ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड हो या रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हो, यहाँ पर जो चीज यूज हो रही है वो है मर्करी। देखिए मर्करी एज ए इंडिकेटर इलेक्ट्रोड यहाँ पर यूज हो रहा है, तो मर्करी ही क्यों हो रहा है मैं थोड़ा इस पर बात करूंगा पहले, कि मर्करी का जो नेगेटिव पोटेंशियल रेंज होती है वो काफी ज्यादा होती है, ठीक है। तो नेगेटिव पोटेंशियल रेंज बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से इसका जो पोटेंशियल रेंज है वो भी काफी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आपका सैंपल कोई भी हो तो आपके पास जब ज्यादा पोटेंशियल रेंज होगी तो उससे फायदा ये होगा कि जब अगर वो माइन्यूट क्वांटिटी में होगा तो वो उसको भी डिटरमाइन कर लेगा, और अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होगा तो भी डिटरमाइन कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल रेंज है वो काफी ज्यादा है। उसके अलावा मर्करी एक ऐसा एलिमेंट है जो हाई मोलिकुलर वेट कंपाउंड होता है, साथ ही साथ ये ना मेटेलिक फॉर्म में है ना लिक्विड फॉर्म है, ये बीच में मतलब पाया जाता है, तो ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल है और डीकम्पोज भी नहीं होता है। दूसरी चीज ये होती है कि बेसिकली ये इसमें जो एक चीज इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि ये ड्रॉप वाइज गिरता है बिल्कुल, तो बेसिकली ये होता है लिक्विड फॉर्म में ही है तो ये ड्रॉप वाइज गिरता है, इसलिए इसको यूज किया जाता है कि धीरे 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 बिल्कुल ड्रॉप वाइज गिरता जाता है और ये धीरे धीरे रिएक्ट करता जाता है। तो इसका एक रीजन ये हो गया, मैंने आपको बताया कि नेगेटिव पोटेंशियल रेंज काफी ज्यादा होती है। दूसरी चीज ये कि काफी मेटल्स के साथ रिएक्ट कर सकता है, इसकी जो मेटल्स के साथ जो रिएक्शन करने की जो कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा है, और काफी मेटल्स इसकी कैटेगरी के अंदर आते हैं जिसके साथ ये रिएक्टिव हो सकता है। दूसरी चीज ये कि ये रीजनरेटिव है, मतलब एक बार यूज करने के बाद इसको हम फेंकते नहीं है, इसको फिर यूज कर सकते हैं, तो ये रिप्रोड्यूसेबल भी है रीयूजेबल भी है। इसलिए जो होता है बेसिकली पोलरोग्राफी के अंदर जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं उसमें मर्करी यूज किया जाता है। तो अभी जो हम इलेक्ट्रोड पढ़ रहे हैं बेसिकली वो है ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर ड्रॉपिंग मतलब मर्करी की ड्रॉप्स की बात होगी, मर्करी की ड्रॉप्स जो होती है वो धीरे धीरे गिरती है और उसके बेसिस पे ये इलेक्ट्रोड जो होता है वो काम करता है, और धीरे धीरे जो मर्करी की ड्रॉप्स हैं वो रिएक्ट करती हैं। तो देखिए इसको इसमें बेसिकली ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड तो है, बट यहाँ पर अब साइड में आपको जो अगर आपको दिख रहा होगा तो आपको तीन तरह के इलेक्ट्रोड्स दिख रहे हैं, और तीनों इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो बेसिकली मर्करी के बेस पे ही काम करते हैं। तो जो सबसे पहले मैं जिस इलेक्ट्रोड की बात करूंगा उसका नाम है HMDE, मतलब हैंगिंग मर्करी ड्रॉप इलेक्ट्रोड। तो अगर आप हैंगिंग मर्करी ड्रॉप इलेक्ट्रोड की बात करें तो इसके अंदर आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसके अंदर बेसिकली होता ये है कि ये हैंगिंग मर्करी मतलब इसको भी लटका सकते हैं, हैंग कर सकते हैं। उसके अलावा इसके ऊपर अगर आपको एक स्क्रू दिख रहा है तो जब आप इस स्क्रू को दबाते हैं तो जैसे अगर आप उस स्क्रू को घुमाएंगे तो इसमें मर्करी की ड्रॉप फिर गिरेगी, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है हैंगिंग मर्करी ड्रॉप इलेक्ट्रोड। अगर आप जब तक आप स्क्रू को घुमाएंगे तब तक एक एक ड्रॉप गिरती रहेगी, बट अगर आपने स्क्रू को घुमाना बंद कर दिया तो ड्रॉप गिरना भी बंद हो जाएगी। तो बेसिकली इसके अंदर ये स्क्रू जो ऊपर की ओर दिख रहा है आपको ये घुमाना जरूरी है। अब आपको अगर सेकंड की बात करें तो वही है ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड जिसको हम पढ़ रहे हैं बेसिकली। तो ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड के अंदर बेसिकली किसी टाइप का ना स्क्रू होता है और किसी टाइप का कुछ भी हमको करने की जरूरत नहीं होती है। इसमें जो हमारा जो नेचुरली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका यूज करके जो ड्रॉप्स होती हैं वो गिरती हैं धीरे धीरे एक एक ड्रॉप करके, और वो तब तक गिरती रहती हैं जब तक कि पूरा मर्करी खत्म नहीं हो जाता है। तो इसके अंदर आपको किसी भी टाइप का इक्विपमेंट यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस छोड़ देना है, वो अपने आप ही मर्करी की जो ड्रॉप्स होंगी वो ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू धीरे धीरे गिरती जाएंगी और रिएक्ट करती जाएंगी। तो ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड नाम से पता चल रहा है कि मर्करी जो होता है वो ड्रॉप वाइज गिरता है और ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रिंसिपल पे गिरता है। तो थर्ड इलेक्ट्रोड है हमारा स्टैटिक मर्करी ड्रॉप इलेक्ट्रोड, स्टैटिक मर्करी ड्रॉप इलेक्ट्रोड। और ये बेसिकली अगर आपको इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है जो थर्ड वाला हमारा इलेक्ट्रोड है स्टैटिक मर्करी ड्रॉप इलेक्ट्रोड, इसमें एक सेलेनाइड ड्रिवन प्लंजर लगा हुआ है बीच में अगर आपको दिख रहा होगा, और ऊपर जो है वो मर्करी इसके अंदर भरा हुआ है। तो बेसिकली इसके अंदर होता यह है कि जब आप इस प्लंजर को दबाते हैं तो इसमें मर्करी की ड्रॉप गिरना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप जैसे आपने जो पहला हैंगिंग वाला देखा था तो हैंगिंग के अंदर भी हम एक स्क्रू को घुमा रहे थे, इसके अंदर ये प्लंजर लगा हुआ है और इस प्लंजर को जब हम क्लिक करते हैं तो ड्रॉप वाइज मर्करी गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो स्टैटिक मर्करी ड्रॉप इलेक्ट्रोड के अंदर बेसिकली सेलेनाइड प्लंजर लगा हुआ है, जबकि हैंगिंग के अंदर अगर आप देखेंगे तो उधर स्क्रू लगा हुआ है। वहीं ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड के अंदर इस टाइप का कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, वहां पर नॉर्मल जो हमारा नेचुरली ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके थ्रू जो मर्करी की ड्रॉप्स होती हैं वो गिरती हैं और
रिएक्ट करती हैं। तो बेसिकली ये तीन टाइप के मैंने आपको ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड दिखाए, बट इसमें मर्करी की ड्रॉप्स ही कर रही हैं, बट अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, वर्किंग है। तो आप साइड में देख सकते हैं, अगर आपको इसमें नोट्स बनाने हैं तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, डायग्राम भी बना सकते हैं, और बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको ये जो स्लाइड दिखाई है इसमें बहुत ईजी वे में समझाया गया है, जो कि आपको एग्जाम में भी काफ़ी हेल्प करेगा। तो मैं आशा करता हूं कि मैंने आपको ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड बहुत इजी वे में समझा दिया होगा, बट अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर, इसकी वर्किंग को लेकर, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि मर्करी इलेक्ट्रोड के एडवांटेजेस क्या हैं बेसिकली, तो इसके एडवांटेजेस पे हम बात करें तो सबसे ज़्यादा एडवांटेज तो ये है मर्करी इलेक्ट्रोड का कि मर्करी इलेक्ट्रोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसको आप बार बार यूज़ कर सकते हैं, मतलब इट इज़ ए रिप्रोड्यूसिबल इलेक्ट्रोड जो आप कंटिन्यूसली इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर इस इलेक्ट्रोड की बात करें तो इसमें जो कैपिलरी होती है जिससे मर्करी की ड्रॉप वाइज गिरती है, ये काफ़ी नैरो होती है। तो नैरो होने की वजह से मर्करी की ड्रॉप जो होती है वो बहुत मिनिमम, मतलब बहुत ही छोटी ड्रॉप होती है जो गिरती है। उससे होता ये है कि आप माइन्यूट से माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ द सैंपल, मतलब सैंपल की माइन्यूट से माइन्यूट क्वांटिटी को भी आप इसके थ्रू डिटरमाइन कर सकते हो, क्योंकि जो कैपिलरी से कैपिलरी की जो डायमीटर होती है वो काफ़ी नैरो होती है, उस वजह से जो ड्रॉप गिरती है उस के थ्रू आप सैंपल को बहुत इजीली डिटरमाइन कर सकते हो और माइन्यूट से माइन्यूट क्वांटिटी को भी डिटरमाइन कर सकते हो। उसके अलावा जो इलेक्ट्रोड का सरफेस एरिया है, तो देखिए आपकी जो ड्रॉप गिरी वो आपके इलेक्ट्रोड की जो आखिरी का जो नीचे जो मुंह होता है, मतलब जो माउथ होता है उससे टप गिरती है, तो आप उसके सरफेस एरिया को कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वेट ऑफ ड्रॉप। जितनी जिस ड्रॉप जो मर्करी की ड्रॉप गिर रही है उसका अगर आप वेट ले लोगे तो उससे आप उसके सरफेस एरिया को कैलकुलेट कर सकते हो कि जो आपका जो इलेक्ट्रोड है उसका सरफेस एरिया कितना है विद द हेल्प ऑफ वेट ऑफ मर्करी ड्रॉप। तो बेसिकली मैं ये इसके एडवांटेजेस हैं कि मर्करी इलेक्ट्रोड के क्या एडवांटेज होते हैं। तो अब हम बात करेंगे पोलरोग्राफी के अंदर आने वाली एक इक्वेशन की जो कि हमारे सिलेबस के अंदर भी इन्वॉल्व है और उसका नाम है इल्कोविक इक्वेशन। देखिए इल्कोविक इक्वेशन जो है बेसिकली वो ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड की वर्किंग के ऊपर ही डिपेंड करती है, मतलब आपको जब आप इस इक्वेशन को पढ़ें तो आपके दिमाग में ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड होना चाहिए, या मैं ये भी कह सकता हूं कि ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड के अंदर जो भी प्रोसेस हो रही है, जो भी उसके अंदर फिनोमिना हो रहा है, मतलब जहां मैंने आपको समझाया था इंट्रोडक्शन के अंदर कि इसमें बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस होता है जहां पर जो आपका सैंपल होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को लेता है और आपका जो ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है, वो कैथोड का रोल प्ले करता है। तो उस पूरी प्रोसेस को समझाया गया है इस इल्कोविक इक्वेशन के अंदर। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये लिखा है बिल्कुल आपको सेम वैसे ही बुक के अंदर जो आप नोट्स बनाएंगे बिल्कुल वैसा ही लिख लेना है, जिससे आपको इजीली ये इक्वेशन समझ में आ जाएगी। एक चीज़ और मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताई थी कि जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, तो ये इक्वेशन भी उसी चीज़ को बताती है कि जितना ज़्यादा करंट चलेगा उतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, या एक अलग तरीके से कह सकते हैं कि सैंपल के अंदर जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी सैंपल की उतना ज़्यादा करंट जो होगा वो फ्लो करेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये इक्वेशन जो होती है वो डीएमई ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड के अंदर होने वाली जो रिएक्शन है उसको समझाती है। तो मैं इस इक्वेशन को बताता हूं आपको, यहां पर है आईडी 607 स्मॉल एन सी डी 1/2 एम 2/3 टी 1/6। ठीक है, अब ये चीजें है क्या, तो देखिए मैंने यहां पर इसको लिखा हुआ है, यहां से स्टार्ट करते हैं। आईडी का मतलब है एवरेज डिफ्यूजन करंट, मतलब जो करंट का फ्लो हो रहा है उसको हमने आईडी से शो किया है। 607 इज ए न्यूमेरिकल कांस्टेंट, ये न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, एक वैल्यू है करंट की, मतलब जो इसके अंदर जो रिएक्शन हो रही है इट इज ए न्यूमेरिकल कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगा। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिडक्शन इन डीएमई, ये नंबर ऑफ एन का मतलब है जितने इलेक्ट्रॉन्स का यहां पर रिडक्शन में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स सैंपल जो है वो डीएमई से ले रहा है उनके नंबर से। ठीक है, सी डी ये है डिफ्यूजन कोफिशियंट ऑफ द रिड्यूसिबल स्पीशीज, मतलब डिफ्यूजन कोफिशियंट, मतलब ये भी कह सकता हूं कि कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल, इट इज ए सी डी। एम एम का मतलब है फ्लो रेट ऑफ मर्करी फ्रॉम डीएमई, मतलब जो मर्करी ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड से जो मर्करी की ड्रॉप्स बाय ड्रॉप गिर रही हैं उनका फ्लो रेट, के किस फ्लो रेट से वो ड्रॉप्स गिर रही हैं। और टी मतलब मर्करी ड्रॉप टाइम सेकंड में, मतलब एक मर्करी की ड्रॉप गिरने में कितना टाइम लगता है ये उसका टाइम है। तो बेसिकली ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड के ऊपर ही बेसिकली ये इक्वेशन डिराइव की गई है। तो सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था कि कोफिशियंट उतना ही होगा जितनी कंसंट्रेशन होगी, तो ये सारी चीजें कांस्टेंट होंगी, क्योंकि जब आप ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे तो मैंने आपको बताया था कि ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड के अंदर जो ड्रॉप्स गिरती हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू गिरती हैं। तो यहां पर आप
बड़ा मतलब जो ड्रॉपिंग टाइम है उसको बढ़ा भी नहीं सकते और कम भी नहीं कर सकते, वो बिल्कुल ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से गिरेंगी, तो वो हमेशा निश्चित होगी, तो ये भी निश्चित है और फ्लो रेट भी निश्चित होगा, तो ये तो कॉन्स्टेंट हो गए। न्यूमेरिकल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे तो ये भी कॉन्स्टेंट हो गया, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू तो कॉन्स्टेंट है ही, तो बचा क्या, कंसंट्रेशन। इसलिए डिफ्यूजन करंट उतना ही होगा जितनी कंसंट्रेशन है। तो बेसिकली ये जो इक्वेशन है इल्कोविक इक्वेशन, ये हमारे जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बताया था उसी को ही एक शॉर्ट फॉर्म में शो करती है। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन सही तरीके से समझ लिया है, ड्रॉपिंग मर्करी जो मैंने आपको इलेक्ट्रोड समझाया था उसकी वर्किंग समझाई थी वो अगर आपके दिमाग में एक बार आ गई है तो ये बहुत ईजी है, और आप जब इसको पढ़ें तो इसको बिल्कुल इसी टाइप से लिख लें तो आपके लिए और ईजी हो जाएगा, और आपके दिमाग में बस एक ही चीज आप दिमाग में रखें कि इल्कोविक इक्वेशन जो होती है वो इसके प्रिंसिपल को ही बता रही है कि जितना ज्यादा करंट, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ज्यादा करंट होगा। तो मैं आशा करता हूं कि मैं आपको इल्कोविक इक्वेशन अच्छे से समझा चुका हूँ। ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट पर ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का एड्रेस और सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो ईमेल आईडी हो या चाहे उसका मोबाइल नंबर हो हमारा, वो सभी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो वो भी आप हमको बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं, कोई पीएचडी वर्क से जुड़े हुए हैं, या आप कोई ऐसे कोर्स से जुड़े हुए हैं जहां पर आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, या आपके पास कुछ ऐसे सैंपल हैं जो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स पे ही रन हो सकते हैं बट वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो हमारा इंस्टीट्यूट ऐसी कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराता है और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हमने हमारे लिंक बॉक्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको प्रोवाइड कराई है। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारा वीडियो देखते रहिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।